अब इस इतिस में भी आगे कैटेगरीज और दर्जाबंदी ये मिन तबीजिया नहीं है कि अलीयु मिन्नी के वो मेरा बाज है मेरा जुज्व है अलीयु मिन्नी या मेरा बल्कि मुतसिल है मुझसे अब कहा लफज इतिस और मुतसिल होना और कहा हु एक को दूसरा करार दे देना देखो यानी कितने मुहतात है तुम मुझसे मुतसिल हो अ मैं आपसे मुतसिल हूँ मगर ये इतिशाल नबूत वाला नहीं है इमामी कहते हैं जब सरकार ने फरमा अली तुम तो मुझसे हो मैं तुझसे हूँ तो जबरील सुन रहे थे कहने लगे मैं तुम दोनों से हूँ तो जब ये हमारे होते हुए हमारी जिंदगी में ऐसा फितना उठा तो हम इस पर एक सैर हासिल तबसरा करें तो इस तरह ये तीन प्रोग्राम जो है इस पर ये हमारे मुकम्मल हो रहे हैं अगर चीज पर अभी और भी दलाइल है तो मैं इस पूरे टोले को दावत देता हूं कि जब तुम दावेदार हो कि तुम आले सुन्नत हो सुन्नत का तो लिटरेचर चौदह सदियों का मौजूद है इस पर लिखा गया है तो कहीं चौदह सदियों से वो निकाल के दिखाओ जो तुम कह रहे हो और मैं तो चौदह सदियों से निकाल के दिखा रहा हूं क्या लोगों के पास लाइब्रेरिया नहीं इनके पास किताबें नहीं क्या ये पढ़ नहीं सकते क्या इनके मुंह में जुबान नहीं बिस्मिल्लाहली सदरी वी अमरी واحلل العقده من لساني يفقهوا قولي رديت بالله ربّا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله اكبر الله اكبر لبيك 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 يا رسول الله सल्ल व वसलम अल्हदिल्ल रबिलमीन वसलात वसलाम अला ख़ा ततमबीन सदरस व ख़ातमिल्मासूमी व्ला आलि वबी अजमाइन अम्माबादुल आऊज़ुबिल्लाशा रजीम बसमिल्हर मुहमदुररसूल

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد ताजरसिल्हि कातिब मुहमदन सादकुलवाल वकलीमी मुहमदुन िक्र रूहुल्नफुसीना मुहमदुन शिक्र फर्दमी रबी सल वसलम दा इमन अबदा अला हबीबिका खैर ख़लक़ुलमी इलाही बहक् बनी फ़ातिमा बर कौल ईमा कुनी ख़ात्मा अगर दावम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दा माने आल रसूल अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक वत आला जल्ला जलालुहु हो व अमां नवाल हो व तम बुरा शानुहु वाज़म जल्ला जिक्रुहु वज्ला अज्जा इस्मुहु की इस्मी हमदोसना और हज़ूर सरवर कायनात मफ़र मौजूद ज़ीनत बज़म कायनत दस्तगिर जहाँ गमगुसार जमां सैद सरवरां हामी बेकसाम कादलसीन ख़ातमन नबीन अहमद मुजतबा जनाब महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु साल ही वसहाबी वबारक वसम के दरबार गहरबार में सलाम अर्ज़ करने के बाद असलकम वरम वर्क रबलाल के फजल और तोफ़ी से हजरत सैदना शाह जलाल रही रिसर्च सेंटर में मरकजे सिरात मुस्तकीम लाहौर के अंदर मुबारक के मौके पर रसूल रसुलकरम सल्ला वसल्लम के अजीम फरमान अली मिन्नी वाना मिन के मौजू पर आज ये गुफ्तु का दूसरा पार्ट है मजमू तौर पर इरफान शाह का वो कौल कि जिसमें उसने कहा कि अली मुहमद है और महम्मद अली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरदी अल्लाह तू ये उसके रद् में तीसरा प्रोग्राम है पहला प्रोग्राम मरकज़ी जामिया जलालिया रिजविया मजरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर के तकरीब बसमिल्ला के मौका पर हुआ और दूसरा जो इस हदीस के लिहाज से गुजश्त जुमा बयान किया गया और आज तीसरा प्रोग्राम है गुज़त <क्थाँ> जुमा इसके मान मफहूम की वज़ाहत के लिए चंद अमीदें बताई गईं कि रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफ़ी मुज़म सल्हसम ने खूब यही हो यहीफाज़ हज़रतमरतज़ा रज़ी अल्लाह तह के अलावा भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तहों के लिए इस्तेमाल फरमाए हैं बल्कि मर्दों के लिए ही नहीं बाज बाज़ियात के लिए भी इस्तेमाल फरमाए, और फिर सहबा व सहियायात रज्ल अन हम व अनहन्ना के लिए ही नहीं बल्कि ग़ैर सह के लिए भी जो वो शरायत पूरी करें कि जिनको ये शर्फ हासिल हो सके क्या मत तक के लिए नबी अक्रम सल्हल के वो अल्फ़ाज बाद वालों के लिए भी सियासत के अंदर मौजूद हैं अब हम इसका जो माना है उसको जो कुरून उला से लेकर आज तक उम्मत मुसलिम इन अल्फाज का माना समझती आई है और आइमा ने जिसको बयान किया है अहल सुन्नत व जमात के लिहाज से उसको बयान करने के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और दूसरी तरफ इसी हदीस का वो मतलब है जो रवाफिज़ बयान करते रहे मुख्तलिफ़ सदियों में और आज जो अल-सुन्नत व जमात में से एक ग्रोह भटक कर मासूस या ग़ैर मासूस तरीके से रिफज की बी टीम बन चुका है ये उसी बयानिया पर हैं और रवाफज़ के मन करदा उन्हीं ख़तूत पर हैं जिनकी बुनियाद पर वो गुजशत सदियों में गुमराह हुए और फिर गुमराही के दलदल में मुसलसल आगे बढ़ते गए आले सुन्नत व जमात का एक ग्रोह तो काफ़ी पहले से उस ट्रैक पर चढ़ चुका था और ये कुछ इरफान शाह जैसे नए लोग हैं कि जिन्होंने ये गुमराही का रास्ता इख्तियार किया और फिर इसमें बड़े सपीडी होकर पहलों से भी कहीं ज़्यादा गुमराहियों में ये जा के फंसने लगे इस हदीस के लिहाज से रवाफिज़ का जो बयानिया है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ से देवी तौहफा इसनाशरिया के अंदर लिखते हैं सफ़ा नंबर तीन सौ तिरपन जो असल फ़ारसी का है तसुब दोम जो है उसके अंदर लिखते हैं कि आँ के पैगम्बर ख़ातमरसलीम स व हज़रत अमीर रदी अल्लाह तर बराबर दानंद के रवाफज़ का दीन इस्लाम से जो दूसरा तसब है वो तसब यह है कि हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वल्लम और हज़रत मौला रद्हुन को बराबर जानते हैं माज़ल हालांकि अफजलियत पैगम्बर सल्ला वसल् बरजमी मखलूक़ नज़् ए शाह हम मुतवास्त हालाँकि जब रवाफिज़ अपनी किताबों में सईदसली खातमन नबीन अहमद मुजतबा जनाब महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल लिखते रहे हैं तो वहाँ रवाफज ने तवातुर से ये लिखा कि अल्लाह के रसूल हजरत महमद मुतफ़ा सल वसम जमी मखलूक़ात से अफजल हैं इन लिखने में ये एक दो बार नहीं तवा से लिखते आ मगर मौला अली रदी अल्ला के मसले पर उन्होंने अपने लिखे हुए के भी खिलाफ किया और ये बयानिया बनाया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली रज्ला आपस में बराबर हैं यानी अली मिन्नी वाना मिन हो से उन्होंने बराबरी का इस्तलाल किया तो जो इस्तलाल बराबरी का रवाफज ने किया और अपने ही लिखे हुए के खिलाफ किया जबकि तवातुर से ये कहते आ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल वम तो सारे नबियों से भी अफजल हैं जमी मखलूक से अफजल हैं तो मौला रजी अल्लाह तु से यक़ीन अफजल हैं लेकिन चूँकि उनके अकीदे में उसीूलों में ख़राबियाँ हैं तो इस बुनियाद पर आकर जो एक झूठी महब्बत अहल बैत ऱी अल्लाह तु उन्होंने अपनाई हुई है उसका ये असर ज़ाहिर हुआ कि उन्होंने मौला रजी अल्लाह त रसूल पाक सली व्लम के बराबर करार दे दिया और अपने ही लिखे हुए के ख़िलाफ़ किया जो तवातुर से खुद उन्होंने लिखा हुआ था यही काम यानी इरफान शाह जैसे लोगों का है यानी सारी ज़िंदगी इस पर दर्श दिए कि रसूल अक्रम सला व्म की मिसल कोई हो ही नहीं सकता आपके बराबर कोई हो ही नहीं सकता और ये बच्चा बच्चा नवाज़ शरीफ में वैसे हमेशा जो एक कति और हतमी यकीनी अकीदा है और हमेशा से बयान किया जा रहा है तो ये यानी रिफ्स चीज ही ऐसी बीमारी का असर ये है कि बंदा मबहूत हो जाता है उसकी मत मारी जाती है तो उसी बीमारी की बुनियाद पर यानी ये हदीस पेश करके जैसा कि आपने क्लिप में भी सुना कि अली यु मिन्नी व आना मिन हो इसका मतलब इरफान शाह ने यह किया कि अली मुहम्मद है और मुहम्मद अली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरदगी तो ये इस बात की दूसरी तरफ से गोया के दलील भी है कि ये लोग जो नहीं मानते कि हम राफजी हो गए हैं उनके करतूत रिफज को साबित कर रहे हैं कि जो जिनकी ये भी टीम है असल उनमें भी इसी तरह ही ये बड़े बड़े घपले उन्होंने किए और ये जो बाद वाले हैं ये ए उसी रस्ते पे चले बल्कि बाद बातों में तेज हो गए यानी वो घपले उनके जो हैं वो वो तो कहते हैं अली अल्लाह है अल्ला। और ये यहाँ तक तो अब पहली छलांग में ही पहुँच गए कि अली महम्मद सली वसम क्या रहते मौला अली रदी अल्लाह को रसूल अरबी सलिल्ला वसलम के जिन की अफजलियत कती है सारे अम्बिया पर और किसी भी नबी का नाम आ, कजिया हमलिया में महमूल बनाकर रसूल अकरम की जात पर उसका हमल नहीं हो सकता कि फ़लां नबी जो है वो मुहम्मद है और या सरकार को कहें कि सरकार फ़लाँ नबी है यानी ईसा मुहम्मद है या मुहम्मद ईसा है सलाम मूसा मुहम्मद है या मुहम्मद मूसा है सलाम तो ये तारीख़ में कभी भी इतना बड़ा गलव और इतना बड़ा कुफर और इतना बड़ा इरतदादी जुमला किसी ने नहीं बोला कि जो इरफान शाह ने इस रिफज की बीमारी में बुनियाद आकर एक गैर नबी के बारे में जबकि नबी के बारे में भी कोई नहीं बोल रहा था कि फ़लां नबी जो है वो हजरत मोहम्मद मुसफा है और सरकार फलां नबी है चूंकि कोई भी उनमें खातमनबीन नहीं कोई भी उनमें रहमत आलमीन नहीं कितनी वजूह है कि जिनकी बुनियाद पर हजरत 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 जकर हजरत दाऊद किसी भी नबी को हज़रत अलैहि वसल्लम करार नहीं दिया जा सकता तो जब नबियों में किसी का ये मकाम नहीं हालांकि उनके बड़े ऊंचे मर्तबे हैं तो गैर नबी को ये कह देना जिस तरह डायरेक्ट वाजे वशगाफ लफ्जों में कहा गया ये यानी तारीख का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी जसारत और माजल्ला बहुत बड़ा कुफर है जिसका इरतकब किया गया रिज के यहाँ ये हवाला तो था कि शाह अब्दुल अजीज साहब उनके बारे में ये लिख रहे हैं तो उनकी खुद किताबों में ये उनके यहाँ जो उनका शेख अब्दुल हुसैन है नजफ़ी उसकी गदीर फिल किताब व अदब इसकी जो जुज तासे है उसके अंदर इन्हीं अदीस और ये अली मिन्नी वाना और मिन इससे मिलती जुलती बात कुछ घड़ी हुई और कुछ जो स, ए, सही हदीसें हैं मगर मतलब उनका गलत इस्तेजराल करके उसने यह लिखा वबाद मा साबाता अलैहि सलाम्लाहू का मर्जे हजरत मौलाहू नबी मौलाबी आजम के सिंह हैं सिंह का माना है मिसल जिस तरह हदीस शरीफ में अम राज सिंह व अबी है बंदे का चा बाप की मिसल होता है वहां लफज सिंह शरीफ में बोला गया तो यहाँ कहता है कि अन्ना सलाम उल्ल यानी हजरत अली रदी अल्लाह तु सिन नबीजम नबी आज़म सल्लल्लाहु सल्लम की मिसल हैं ये लफ्ज़ सिन बोलना ही बहुत बड़ी जसारत और कुफर है लेकिन उसने आगे फिर वज़ाहत में मज़ीद इस लफ्ज की जो गहराई है और इसका बोलना जो एक बहुत बड़ा जुर्म है उसकी उसने वजाहत कर दी है किस में सिन में कैसे सिन में कहते हजरत सल्लम के फजाइल में सिन्नी फजाइल मोहम्मद में मौला गया कि जो फजीलतें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला की है वही फजीलतें के बकौल मज़ल्ला मौला अली रदी हो तला की है। और साथ ये कहा शाकिला फिन नफसी याद शाकिला ये भी मुशाबे मिसल और सिंह के मतलब में इस्तेमाल होता है कि फला फुला की शाकिला पर है यानी उसकी तरह है उसी जैसा है तो कहता है कि हजरत मौला तो हू रसूल पाकलम के मिसल हैं फिन नफसियात तमाम नफसियात में फजाइल में भी मिसल कहा माज़ल्ला और फिर नफसियात में भी माजल्ला मिसल कहा तीसरे नंबर पर कहता वरदीफ हु मलिकातिल फादिल नखल कुफर कुफर नबाशद कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह तला रसूल अक्रम सल्ला जैसे हैं माजल्ला किस में सारी सलाहियतों और काबिलियतों में नफ्सियात भी एक हैं मलिकात भी एक है, है फजाइल भी एक है तो फिर पीछे फर्क किस चीज में है और फर्क का वो दावा भी नहीं कर रहे बल्कि वो तो कह रहे हैं कि सब एक जैसे हैं और ये मजमुआ है जिसको मुंह भर के अपने लफ्जों में इरफान शाह ने बयान कर दिया कि मोहम्मद अली है और अली मोहम्मद यानी जो फजाइल नफ़सियात और मालिकात यानी इंसान में राश तभी पहले दिन से जो काबिलियत और सलाहियत है उसके लिहाज से यानी कहा वो हजारहा तहकीकत जो सीरत में है जो नूरानियत मुस्तफ़ा सल्सम की है जो हकीकत मुस्तफ़ा सल्सम की है जो फजायल मुस्तफ़ा सल्ला की है हजार हा आइमा ने जो कुछ लिखा शायरों ने फिर उसकी वजाहत की सूफिया ने जो लिखा मुहदसिन मुफसरीन ने जो लिखा रसूल अक्रम वसल्लम की मिसल कोई नहीं उस सब कुछ पर कलम फेरने की कोशिश की गई महा सिर्फ रिफ्स को खुश करने के लिए और राफजी बनने के लिए और यह है यानी वो धंधा कि जो ऐसे रस्ते पर चल के कुफरियात का इरतकाब ना करे तो उसे कहा जाता है कि ये तो अहले बैत का मुहिब ही नहीं और जो करे तो फिर उसे कहा जाता है कि अहले बैत का महिब है हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबा शरीफ में फरमाया कि तो राफजी कभी भी तुम्हें अहले बैत का मुहिब नहीं मानेंगे जब तक तुम वही कुफर ना करो जो वो करते हैं अगर वो करोगे तो फिर तुम्हें मानेंगे तो अब ये लोग जो हैं पूरा टोला अहले सुन्नत में से निकल कर जिनका मंशूर यह है कि हमें दुनिया मुहिब अहले बैत कहे यानी राफजी भी कहे तो अब राफजी इन्हें तब कह रहे हैं कि जब ये उनकी कुफर पर उनकी तरह जा रहे हैं और हम अहले सुन्नत के रस्ते पर हैं तो हमें इनके से कोई सनद या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं और ना ही किसी को ये सोचना चाहिए और ना ही ये दे सकते हैं सच्चों को जो कि खुद झूठे हैं वो सच्चों को कैसे मुहिम माने लेकिन हमें अपने एहतसाब मुहासबा के साथ उस रस्ते को फॉलो करना है उस पर चलना है और उस उन कायदीन आइमा और उनके जरिए कुरान सुन्नत की पैरवी करनी है और यही अल्लाह की रजा और रसूल अक्रमल्लम की रजा का रास्ता है और दूसरा सोचना भी नहीं चाहिए कि हम भी अगर इतना बदलें इतना मोड़ें इतना टर्न करें तो शायद हमें भी ऐसा ये कहना शुरू हो जाए तो ऐसा ऐसी सोच में लाकर बंदे को गुमराह कर देती है हजार बार लाख बार करोड़ बार ये हमें ना कहें हमें इसकी जरूरत नहीं हमें यह है कि हम उस रस्ते पर हों कि जिस रस्ते को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लाम ने हमारे लिए किया जिसको अहल सुन्नत कहा जाता है और अल्लाह के फजल से उस रस्ते पर है और यही रास्ता वो है कि जो चौदह सदियों में आयमा मुजतादीन अलिया कराम और आइमा रब्बानी जो है उनका रास्ता था और यही अल्लाह के फजल से जन्नत का यकीनी तौर पर रास्ता है अब यहाँ इस तमहीद के बाद जो अदीस बयान की थी हमने गुजशत जुमा के अंदर उन अदीस के लिहाज से शारहन ने उनका मतलब क्या लिखा मिसाल के तौर पर हजरत जुलैबीब रजियल्ला के लिहाज से सही मुसलिम से हदीस पेश की गई तो इस सही मुसलम की उस हदीस के तहत इमाम नववी ने क्या लिखा जहाँ रसूल अक्रम सजरत जुलैबीब रजील् तैन के जसद अतःर के पास खड़े थे और फरमाया कि कातला सबातन सुम कातलु हो मेरे शेर दिल ग ने साथ का मारे और फिर उनके हामियों साथ जो थे उनके हामी काफिरों ने इसको शहीद कर दिया हाजामिनी वाना मिन हो यह जलेबीब मुझसे हैं और मैं इनसे हूं ये जो सही मुस्लिम की हदीस पेश की और फिर रसूल अक्रम वसल्लम ने यूं अपने हाथों पर और अपनी कलाइयों पर उठाकर उनको कबर में रखा तो इसका क्या मतलब था जब रसूल अक्रम सला वसल्लम फरमा रहे थे कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूं यानी हजरत जुलेबीब रदी अल्लाह तो इमाम नबी लिखते हैं माना हो अलमुबा लगा तो फितिहाद तरीका हिमाफा के हिमा फी कितना जामे माना बयान किया यानी यह जुलेबीब मुझसे हैं, मैं इनसे हूं अब इन दो जातों में रसूल अक्रमल्लम की जात हजरत जलैबीब रजी अल्लाह तला की जा हालांकि वह खानदान नबूत के फर्द नहीं वो कोई अहले बहत अतहार रजी अल्लाह तला के फर्द नहीं इस लिहाज से वो एक गैर हैं लेकिन यहां अपना कैसे बनाया जाता है सरकार दोआलम सल्ला इर्शाद फरमाते हैं उनके लिहाज से हाजा मिन्नी व आना मिन हो इमाम नबी कहते हैं वो सरकार से कैसे हैं मिन्नी की कि ये मुझ मुझसे है ना नस्ल रसूल वसल्लम से है ना, ना खानदान रसूल से है और फिर मैं इनसे हूं इनका तरीका एक है मेरा और इनका इसमें मुबालगा बयान करना था मुबालगा क्या कि मामूली सा भी फर्क नहीं मेरे तरीके में और जुलैबीब के तरीके में मामूली सा भी फर्क नहीं मामूली फ़र्क की भी नफ़ी के लिए यह लफ्ज़ बोले ये मुझसे है और फिर इसमें के मेरे और जलेबीब के अल्लाह की इतात के तरीके में जिस पर मैं मुतफिक हूं उस पर जुलेबीब भी मुतफिक है इस इत्तिफाक और इस वहादत पर अल्लाह की इतात में इत्तिफाक पर और तरीका एक होने पर क्या हमारे तरीके में कोई फर्क नहीं हमारा तरीका एक है जुलेबीब के तरीके को मत मुझसे जुदा समझना यानी ऐसा मौका कि जब वो शहीद हो चुके हैं और बजाहिर अकल कह रही है कि मिट गए हैं खत्म हो गए हैं तो सरकार फरमा रहे हैं नहीं मिटे नहीं और इनके लिहाज से कोई दूसरी बात ना करे जो मेरा तरीका है वो इनका तरीका है जो इनका तरीका है वो मेरा तरीका है ये मुझसे है मैं इनसे हूं यानी ये जो मौका था एक इजहार हमदर्दी का मौका था एक अपने गुलाम को नवाजने का तो रसूल अक्रम सला वसलम ने उसके लिए ये लफ्ज उस मौका पर चुने आजा मिन्नी वाना मिन हो ये मुझसे हैं मैं इनसे हूं अब दोनों के अंदर कोई खानदान की वहादत ऊपर बाप दादा में या आगे नीचे बेटे पोते होने के लिहाज से वो मकसूद ही नहीं मकसूद क्या है तरीके में इतिहाद तौर तरीके में इतिहाद चाल चलन में इतिहाद और इसके अलावा की इतात के अंदर इतफाक ये मुराद मकसद था कि रसूल अक्रम अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुलैबी बरद अल्ला के लिए यह लफज इस्तेमाल किए और इमाम नववी जैसा इमाम इस हदीस का ये मतलब बयान कर रहा है अब ये अगर जो इरफान शाह ले रहा है तो फिर उसके मुताबिक तो कितने लोग हैं माज अल्लाह कि जिन पर लफ्ज मोहम्मद का इतलाक़ करना पड़ेगा और कितने कुफ्रियात होंगे जुलैबीब मोहम्मद है और मोहम्मद जुलैबीब हैं अस्ताक अस्तकफिरल्ला तो हर गेज ये मतलब नहीं है मतलब बड़ा है और वो भी अजीम है और वो भी कोई छोटी फजीलत नहीं है कि रसूल अक्रम सीज़ को मुबालगा से मुराद यहाँ है नहायत आला तरीके से बयान करने के लिए जो लफ्ज़ चुने कि एक ये था कि फरमाते कि इनका तरीक़ा मेरा तरीक़ा है और मेरा तरीक़ा इन का तरीक़ा है लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ऊंचे अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद को बयान करने के लिए पसंद फरमा लिए और फरमाया कि हाजा मिन्नी व आना मिन हो तो यहाँ से ये यह मकसद हरगज़ नहीं कि फ़जीलतों में बराबर है ये हरगिज़ मकसद नहीं कि नफसानियात में बराबर है ये हरगज़ मतलब नहीं कि सलाहियतों में बराबर है बल्कि वहदत है तरीके के लिहाज से इतिहाद है और उसमें भी एक असल है दूसरे फरा हैं एक इमाम कायद और नबी हैं दूसरे पैरोकार हैं लेकिन दोनों का तरीका एक है उस तरीके की वहदत को बयान करने के लिए रसूल अ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि आम किसी किताब में नहीं सियासत में से सही मुस्लिम में वो हदीत शरीफ मौजूद है फिर नसाई शरीफ में मौजूद है और इसके अलावा दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है जहाँ ये अल्फाज जो हैं बतौर खास जो मुस्लिम में हैं ये अल्फाज रसूल अक्रम वसल्लम ने इस्तेमाल किए ऐसे ही मुस्लिम शरीफ की जो आ, शरा है दीवाज इमाम सूती रहमत उन्होंने इस हदीस का जब मतलब बयान किया तो दिबाज की जिल्द नंबर पाँच दिबाज अ अला सही मुस्लिम इबिन इस में चार सौ चौरासी सफे पर ये अल्फाज हैं और इन्होंने हाज़ा मिन्नी वाना इमाम इमाम इमामी का भी हवाला दिया माना हो अलमबाल तो हिमा फितद वी ताल्ला वही जो तफसीर इस हदीस की हजरत इमाम नबी रहत ने की वही इमाम सहमत ने भी इस हदीस की शराह के अंदर इस हदीस के लिए की और यहाँ कहीं दूर तक भी वो मतलब नहीं जो मतलब इरफान शाह ने निकाल के रिफ्ज़ को सपोर्ट किया और ख़ुद राफजी बनना चाहा वो मतलब कहीं भी यहाँ मुराद नहीं है क्योंकि वो कुरान से भी टकराता है एक दो आयात से नहीं सैकड़ों आयात से और दूसरी तरफ वो मतलब अहादीस से जो हजारों अदीस है उनसे भी टकराता है इसलिए उम्मत की चौदह सदियों के बरखिलाफ़ है वो मतलब जो लान शाह ने जिसको बयान किया अब ये तो था हजरत जलेबीब रदी अल्लाह तहों के लिहाज से चूंकि सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तनों के लिहाज से भी ये अल्फाज बोले गए रसूल अक्रम सरमायासैन मिन्नी व आना मिन हुसैन के सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तु मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ यह हदीस नंबर छ हज़ार एक सौ उनहत्तर है किताबुल मनाकिब के अंदर मिशकात शरीफ में तो मरक़ात में मुलालिकारी ने इसकी क्या शराह लिखी मुलालिकारी ने फिर यहाँ पर इमाम बैजावी का हवाला दिया काल अल कादी कालाकादी कानू सल्हस आलिमा बिनूर बनूरवा माँ सया दो बैन हु बैन अल कौम गोया के सरकार ने वाहि कि नूर से जान लिया जो मुस्तबिल में हजरत इमाम हुसैन द अल्लाह तलान हो, और यजीदियों के दरम्या मामला होंगे सरकार ने जान लिए यानी ये जिसके लिए भी ऐसे लफज बोले पीछे कोई इस तरह की सूरत हाल थी कि जरूरत थी कि लोगों के शकु को शुबा दूर किया जाए कि मेरा और फलां का मामला जुदा जुदा नहीं हमारी एक बात है तो रसूल अक्रम सला ने जान लिया कहते फखत साहू बतौर खास उनका जिक्र किया वबैया नुमा कश्यलवाद और रसूल अक्रम सल्ला वसम ने फ़रमाया कि गोया के वो और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह हो एक शे की तरह हैं फी वजूबिल वजूबिलमहबात वुरमत तारे वलमुहारबा थी ये वाज करने के लिए कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ती महबत मेरी महब्बत है और उनसे बुग्ज़ मुझसे बुग्ज़ है रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल्हल ने यह वाजे करने के लिए कि उनसे जंग मुझ से जंग, मुझसे जंग है यानी वो मुस्तबिल के हालात सामने रख कर रसूल अक्रम सम ने पहले ही ये अल्फाज बोल दिए हुसैन मिन्नी वाना मिन हो कि वो मुझसे हैं और मैं उन से हूँ अब यहाँ भी यानि हुसैन मिन्नी में तो वैसे भी वो रसूल अक्रम से हैं लेकिन आना मिनह का जो इतलाक़ किया गया और हुसैन मिन्नी के अंदर जो असल मकसद था यहाँ वाज़ करने का वैसे तो हसन भी मिन्नी है लेकिन इस मकाम पर जो मकसद था तो रसूल अक्रम सम ने यानी इस वहदत को बयान करने के लिए कशदे फ़ी वजूबिलमोहबे वहरमत तारदे वलमहरबा इसमें नबी अक्रम सल्ला वसम ने ये बयान किया अब इसका यह मतलब नहीं है कि कोई कहे हुसैन मोहम्मद है और मोहम्मद हुसैन है रदी अल्लाह तसल् बल्कि जिन मानी और मकासद के लिए रसूल अक्रम वसल्लम ने फरमाया वो मुराद हैं वरना ए, कौल इमाम रदी अल्लाह त है की हैसियत वो नहीं जो कौल नबी वम की हैसियत है रसूल अक्रम सराम आपके विशाल के साथ मुकम्मल हो गए अब और किसी कॉल में है हैसियत नहीं कि वो सरकार की शरीयत का कोई हिस्सा कैंसिल कर सके या उसको ये इथार्टी हासिल हो कि उसकी बुनियाद पर किसी हदीस को मनसूख किया जा सके तो दूसरी जिहत ली थी रवाफिज ने जो आइम्मा अपने मासूमियत के लिहाज से कि वो नबूवत के दर्जे में है और उनका कौल नबूवत का कॉल है तो उस तरफ ये सारा टोला अब जा रहा है कि जिस वक़्त मिन्नी और मिनहो से ये मतलब लिया जा रहा है तो ये डायरेक्ट ख़म नबूवत पे हमला है कि रसूल अक्रम कोई नबी नहीं तो जब ए, मौला अली को सरकार की बिल्कुल बराबर करार दिया जा रहा है तो फिर सरकार के बाद भी कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसका कौल सरकार के कौल जैसा हो और जिसका हुक्म सरकार के हुक्म जैसा हो तो यही तो ख़ुम नबूवत पर हमला है जो पहले उन लोगों की तरफ से किया गया और कादानियत की तरफ से किया गया और फिर अब यह सूरत हाल जो है माजल्ला इतनी खतरनाक आ, सामने लाई जा रही है इन हदीस के अल्फाज को आड़ बनाकर जबकि हमने ये सारी अदीस सामने रख दी हैं कि यहाँ उस मतलब की कोई गुंजाइश नहीं है और जो मतलब है वो बहुत वाजह है और उसमें जिन जिन के लिए रसूल अक्रम सम ने ये लफ्ज़ बोले उनकी बहुत बड़ी फजीलत है और उस फजीलत को आ, हमारे आइमा ने चौदह सदियों में हमेशा बयान किया है ऐसे ही हज़रत अली रदी अल्लाह के लिए ये अल्फाज जो हमने पहले बयान किए पहली गुफ्तु में वो बुखारी शरीफ से तिरमजी शरीफ़ में भी वो अल्फाज हैं और फिर तिरमजी की शरह के अंदर और जाम शग़ी में वो अल्फाज हैं और जाम शग़ीर की शरह के अंदर उसकी जो वजाहत है वो पेश करके फिर हम आएंगे उन अल्फाज पर जो सही बुखारी शरीफ में है और उस पर बुखारी शरीफ के शारहीन ने क्या लिखा है तो जाम तिर की शरा इमाम ने जो कि कूतुल मुगतजी अला जाम तिरमी जल्द नंबर चारियमिन्नी वना अली मनाकब के अंदर तिरमजी में है तो आगे इसके अल्फ़ हैं अन्नी वाला अना और मेरी तरफ से कोई अदा ना करे मगर मैं खुद अदा करूँगा या मौला अली अल्लाह हो अदा करेंगे दी अदा करना यानी किसी चीज़ की कीमत कोई माल या इस तरह की कोई चीज़ें उसके लिहाज से रसूल अक्रम सल्फ अलीदा इस्तेमाल किए जो बुखारी शरीफ वाले शान वरुद से जुदा है यहाँ ये लिखते हैं काना ज़ाहिरला के जाहिर तो ये था कि सरकार फरमाते कि मेरी तरफ से अदा ना करे मगर अली रजी तला आना ताकदानसा तो रसूल अक्रम सद्दी के बाद फिर लादी अन्य आना और जो आना का लफज इस्तेमाल किया है यह क्यों किया है लिमान ताकीदान फी ही अली व आना मिन हो कि अली व आना मिन हो का जो मतलब था कि अली मुझसे मुतसिल मुझ मुझ हैं और मैं अली से मुतसिल हूँ। उस इतिस वाले माने को बयान करने के लिए यानी उसकी ताकीद के लिए ताकिद तब होती है जब पहले एक बार चीज बयान हो जाए और फिर उसकी ता ताकीद होती है वरना उसको तासीस कहा जाता है ताकीद नहीं कहा जाता तो अली जो व वाना मिन हो इसका मतलब है इतिशाल यानी मिन इतिस है अली मुझसे मुत्तसिल है मैं अली से मुत्तसिल हूं और ये जहां जहां भी ये लफ्ज आए हैं वहां इतिशाल वाला माना लेकिन फिर भी मौला अली की फजीलत बरकरार है क्योंकि इतििसाल में फिर कई दर्जे हैं इतिसाल नॉर्मल सा भी इतिसाल है इतिसाल कवि भी इतिसाल है इतिस मुतवस्त भी इतिसाल है इतिस आला दर्जे का भी इतिसाल है एक चीज का दूसरी से मुतसिल होना मुराद है और उस उसिसाल में मौला अली कमाल दर्जे पर है लेकिन है इतिसाल कि वो मुझसे मुतसिल मुझ मुझ है मैं उससे मुतसिल हूं अब कहा लफज इतिशाल और मुतसिल होना और कहा हू हु एक को दूसरा करार दे देना तो ये असल मकसद माना इसमें इत्तिसाल वाला था और उस इत्तिसाल को यहाँ पर बयान कर दिया इस मकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर आना के साथ उसकी ताक़ीद लाई और यह एक ख़ास मौका के लिहाज से अदा था वरना सही बुखारी शरीफ में है जब एक खातून आई और उन्हें रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर आना तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ तो आ, कौन मुझे देगा तो ने फर के, के मेरी जगह अबू बकर होंगे वो तुझे देंगे। तो वो अदायन तो भी हजरत अकबर की रसूल अक्रम सी लेकिन यह जो मौका था जिस मौका पर वो कुरैश से एक मुहिदे की इन किता के लिहाज से गुफ्तु थी तो यहां रसूल अक्रम सलाम ने बतौर ख़ास हजरत मौला अली रजी अल्लाह तयन किया और ये वाज फ़रमाया कि वो मुझसे मुतसिल मुझ मुझ हैं और मैं उनसे मुतसिल हूँ और इनसे अलहदगी की बात ना की जाए यही बात जो है वो जाम सगीर के अंदर मौजूद है जिसकी शराह में कदीर के अंदर अब्दरऊफ़ मनावी जो है उन्होंने जल्द नंबर चार में इस चीज़ को लिखा सफ़ा नंबर चार सौ बासठ अली वाना मिन हो मतलब क्या है कहते हुआ मुतासेलुम बी वाना मुतासीम भी हुआ बी के मौला अली रद्ला मुझ से मुतसिल है यानी एक तो वो भी इतान होता है ना कि मदरसा मस्जिद से मुतसिल है लेकिन ये उससे बड़े दर्जे का इतिस और ये जिन जिनके बारे में फरमाया कि जुलेबीब मुझसे हैं और मैं उनसे हूं और हजरत दुर्रा बिन त्यबी लहब उनके लिए फरमाया कि ए, मिन्नी वना मिन के तो हर जगह इतिसाल है कि जुलैबीब मुझसे मुतसिल है मैं उनसे मुतसिल हूं और दुर्रा मुझसे मुतसिल है मैं उनसे मुतसिल हूं हुसैन मुझसे मुतसिल है मैं उनसे मुतसर हूं और अली मुझसे मुतसिल है मैं उनसे मुतसिल हूँ अब इस इतिशाल में भी आगे कैटेगरीज और दर्जा बंदी है लेकिन माना इतिशाल का है अब माना इतिशाल का चौदह सदियों में मुराद लिया जाता रहा अब उसकी वजह से कोई खराबी लाजम नहीं आती उसकी वजह से ना तो फजाइल में मौलाली रदी अल्लाह तुकी रसूल पाकलम से बराबरी लाजम आती है ना बराबरी है ना ही उसमें काबिलियत और सलाहियत में और आ, मलकात के अंदर और ना ही और नफसानियात के लिहाज से लेकिन इतिसाल है और इतिसाल होना मामूली बात नहीं और फिर मौला अली रदी अल्लाह इसे कोई खवास में शामिल करे अली मिन्नी वाना मिनहो को और फजाइल तो है ही खवास में भी है तो फिर भी खसूसियत बरकरार है कि इतिसाल जो इनका है वो जाहिर है कि हजरत जलाबीब का इतिसाल नहीं ना मुराद ले तो खूसियत बाकी नहीं रहती वो फिर भी सब कुछ मौजूद है ईमान भी सलामत है अकीदा भी सलामत है नबूवत पे हमला भी नहीं होता और फिर खतमसलीन हजरत महमद मुस्तफ़ा अलैहि वसम की खतम नबूवत पे भी आँच नहीं आती रिफज को सपोर्ट भी नहीं होती और बंदा सुनी भी रहता है और कुरान सन्नत के लिहाज से उसका ईमान कहीं मुतदम भी नहीं होता तो इस बुनियाद पर यह फैजुल कदीर शरा जाम सगीर इसके अंदर इन्होंने जो आ, वो अल्फाज जो कि जाम तिरमज़ी वाले हैं उनको बयान करके ये कहा हुआ मुतासिलुम बी वना मुतासिल भी फिल वल वलमहब व हिमा व मिन हाजी तुसम्मा इत्तिसालिया कहते इसी वजह से इस मिन को इत्तिसालिया कहा जाता ये मिन तबीजिया नहीं है कि अली मिन्नी कि वो मेरा बाज है मेरा जुज्व है अली या मेरा है बल्कि मुतसिल है मुझसे और इतिसाल के अंदर फिर बड़े कमालात हैं वो मुझसे मुतसिल हैं मैं उनसे मुतसिल हूं और अब इस पर जिस वक्त हम जो बुखारी शरीफ में अल्फाज हैं वो देखते हैं तो उसमें फिर शान वरूद के लिहाज से और अल्फाज के इस्तेमाल के लिहाज से और वजाहतें भी मौजूद हैं चूँकि ये हदीस बुखारी शरीफ में तालीकन भी आई है और मुन्त भी इसको इमाम बुखारी लाए हैं असल में जो हदीस नंबर दो हज़ार छ सौ नन्ानवे बुखारी की वो मैं तफसल से पढ़ता हूँ कि तीन बड़ी हस्तियाँ थीं और तीनों एक मामला में जगड़ रही थी और रसुल अक्रम सला तीनों की ही दिलजोई करना चाहते थे एक उनमें से हजरत मौला अली अल्लाह है और दूसरे आपके ही बड़े भाई हजरत जाफर अल्लाह है और तीसरे हजरत जैद बिन हारिस रजियाल तु जिनको यहां तक के जैद बिन मुहम्मद सल्लाम भी कहा जाता रहा और कहा जाता है कि रसुल अक्रम सला ने उनको अपना बनाया मामला ये था कि जिस वक़्त हजरत अमीर हमजा रद्ह की बेटी वो चल पड़ी तो नबी अक्रम सल्ला वसम का जो मामला था जो रसुलदैबिया के लिहाज से उसके लिहाज से जब रसूल अक्रम सला वसम मक्का मुकरमा में सुलह उदैबिया के महदा के बाद जब अगले साल दाखिल हुए और उसमें यह था कि अगर कोई मक्का में से जाना चाहे तो उसे साथ ना ले जाया जाए और अगर सिहबा में से कोई मक्का मुकरमा में रहना चाहे उसे रहने दिया जाए अब रसूल अक्रम सम जब उम्र कज़ा के लिए रसुलदैबिया से अगले साल मक्का मुकरमा दाखिल हुए और वक्त वक्त जो था जिस पर माहा था कि उम्र के बाद फिर वापसी होगी तो क्रैश ने पैगाम भेजा हज़रत हज़रतली रदी अल्ला के पास के वो टाइम गुजर गया है तो अब रसूल अक्रम सम से यह दरख्वास्त करो कि अब मक् मुकरमा से तशरीफ़ ले जाए क्योंकि तो अभी जा मक् मुकरमा फतह नहीं हुआ था कि मुद्दत गुजर गई है जिसका माहा था तो नबी अक्रम सल्लम जब इस मौका पर मका मुकरमा से बाहर निकले यानी वापस मदीना मुनवरा की तरफ तो हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तहो की बेटी पीछे पीछे चल पड़ी कि मैंने भी साथ जाना है फता भी इबना तो हमजा, या अम्, या, अम्, या अम्, ये लफ़ज़ बोल के कि मुझे भी साथ ले चलो मुझे भी साथ ले चलो फतना वाला तो अली वाली फाखाजा भी यदे हजरत मोला अली रजियो ने उन्हें साथ ले लिया वकाल अली फातिमा तः सलाम दू के इबना ता अमे के, के इनको तुम पकड़ लो ये तुम्हारे चचा की बेटी हैं ये हजरत मौला अली रदी अल्लाह तहो ने हज हजरत सैदा फातिमा रदी अल्लाह अनहा से कहा और उनकी उम्र हरत मीर हमजा रदी अल्लाह तहो की बेटी की उम्र अभी छोटी थी तो हामालाता तो हजरत सयदा फातिमा रदी अल्लाह तलाहा ने उन्हें उठा लिया फख्ताफीहाली व जैदों व जाफर तो उनके बारे में फिर झगड़ा हुआ हजरते अली, हजरते और हजरते जाफर, का। तो हजरत अली हज़रत जैद और हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तुम का फकाल अहक को ब्या तो हज़रत अली रजी अल्लाह हकदार हूं कि मैं निगरानी करूं मैं इनको ले जाऊं इस बेटी को वाहिया इबना तो अम्मी ये मेरे चचा की बेटी हैं यानी हजरत हमजा रजियन मेरे चचा हैं और ये उनकी बेटी हैं तो जरत हमजा तो शहीद हो चुके थे कई साल पहले और ये मक्का मुकरमा में ही थी और कहा कि ये मेरे चचा की बेटी है मैं ज्यादा हकदार हूं हजरत जाफर रजी अल्लाह डबल दलील पेश की फरमा इबना तो अम्मी मेरे भी चचा की बेटी है कि जब हजरत अली के चचा की बेटी है तो हजरत जाफर रजी अल्लाह तु के भी चचा की बेटी हैं और साथ कहा कि खाला तोती इनकी इस बच्ची की जो खाला है वो मेरी जोजा है तो इस लिहाज से फिर मेरा हक ज्यादा बनता है कि एक तो मेरे चचा की बेटी है फिर इनकी खाला इस बच्ची की खाला वो मेरी जोजा है तो वो अच्छी तरह इनका ध्यान रखेंगी खाला जैद इबना तो अखी तो हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तला ने कहा मेरे तो भाई की बेटी है इबना तो अखी यानी हजरत अमीर हमजा अल्लाह रजियला को अपना भाई कहा अब हजरत जैद बिन हार हारसा के बेटे और हजरत हमजा है हजरत अब्दुल मुतलिब के बेटे चूंकि रसूल अक्रम सलम के चचा हैं। तो अब ये किस तरह कह रहे हैं कि ये तो मेरे भाई की बेटी है भाई की बेटी तो तब बनती कि जब हजरत जैद होते जैद बिन अब्दुलमतलब वो तो जैद बिन अब्दुलमतलिब नहीं है वो तो जैद बिन हारसा है तो यहाँ इमामैनी ने इस चीज़ की वजाहत की कि जो रसूल अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कैम की थी जब मदीना मुनवरा में मुआख़ात कैम की गई उस मुआख़ात में हजरत हमजा और हजरत जैद को भाई बनाया गया तो वो भी एक बहुत बड़ा एजाज था और उस मुआात की बुनियाद पर भी भाई कहा जाता था तो उन्होंने उस चीज़ का हवाला दिया कि ये तो जो मुआखात की वजह से मेरे भाई बनाए गए थे तब मेरी हमजारदी अल्लाहन हो और ये ए, उनकी बेटी हैं लिहाजा ये मेरा हक़ ज़्यादा बनता है अब इस मौका पर रसूल अकरम सल अल्लाह वसलम ने फ़ैसला फरमाया और फैसला करते हुए नबी अक्रम सम ने खाला का जो रिश्ता था उसको तरजीह दी और फरमाया कि अल खाला तो बे खाला माँ की तरह ही है तो फिर हजरत जाफर रदी अल्लाह यानी चचा की बेटी तो उनकी भी थी और साथ खाला उस बेटी की जो थी, वो इनके अकद निका में थी तो इस लिहाज से रसूल अक्रम स फैसला कर दिया और फैसला करने के बाद अब इन सब के लिए नबी अकरम सल्ला वसम ने इनकी तस्कीन के लिए कुछ लफज बोले इस मौका पर जो मौलाली रजी अल्लाह तला के लफ्ज़ बोले फरमाएंता मिनी वना मिनका और हजरत जाफर रजी अल्लाह के लफज बोले अशबहता खल की व खुल जाफर तुम तो मुशाबे हो मेरी खलक के और खुलक के और हजरत जैद के लिए क्या बोला फरमाए अंत अखूना व मौलाना अंत अखूना मौलाना तो ये सारा इस हदीस का यानी पस मंजर यहाँ है और यहाँ भी ये ये जो बुखारी शरीफ की हदीस है ए, दो हजार छह सौ ननानवे इस मकाम पर अखू के लफज हजरत जैद के लिए बोले गए जबकि मोहला अली भी सामने खड़े हैं जिन्हें रसूल अक्रम सयाकि दुनिया वाला आखिर कि तुम तो मेरे दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई हो मगर आज उन्हें यह फरमा के अंता के मिन्नी वाना मिन का और अखू वाले लफजत जैद को अता कर दिए और इस हदीस से फिर वो जो जाह नादान पढ़ते हैं उसका भी मुहासबा होता है कोई वीर दिखा मेनू यानी ये, ये मोला अली सामने खड़े हैं और रसूल पाक सल हजरत जैद को अपना वीर कह रहे हैं अंता खूना व मौलाना और जब हजरत जैद को अखूना कह रहे हैं सरकार तो मौलानी की कोई नफी नहीं हो रही फिर दुनिया वह अपनी जगह फिर भी कायम है लेकिन ये जो असर करके नफी करने वाले हैं और किसी की तो और कितने हैं जिनके लिए ये लफज बोला गया और ये सर्दे सही से बोला गया और सही बुखारी में बोला गया और बुखारी में यह हरीस बार बार आई है और साथ फरमा मौलाना अंत अखूना व मौलाना अब इस लफज से भी लफज मौला के मानी समझने में भी मावनत होती है और उस, उसकी वजह से जो लोग गुमराह हैं कि मौला के कितने मानी हैं और मौला गुलाम पर भी बोला जा सकता है वो गुलाम जिसको खरीद के आज़ाद कर दिया गया हो क्योंकि ये जो हजरत जैद रदी अल्लाह तहो है इन्हें खरीदा गया और खरीद के फिर आजाद किया गया इस मतलब को सरकार फरमा रहे हैं तुम तो मोहतक हो हमारे आजाद करता हो और प्यारे हो मौलाना के लफज से रसूल अक्रम वसल्लम ने अब एक है कि रब्बे रबाल सरकार का मौला है और एक है कि हजरत जैद को कह रहे हैं कि तू हमारा मौला है अब कितना फर्क है जमीनों आसमान कमाने में लेकिन उर्फ में लोग फिर एक समझना शुरू हो जाते हैं और अब दोनों जगह लफज मौला को एक समझ आ जाए कहा अल्लाह का मौला होना और कहा हजरत जैद का मौला होना और कहा अभी वो जर खरीद नहीं थे लेकिन उनके किसी और मकामी वलायत को बयान करते हुए रसूल अक्रम सला ने मौला का लफज इतला कर दिया हजरत अरियमत रजी अल्लाह तला की शान के लिहाज से तो इस वास्त से भी लोगों को जेन में रखना चाहिए कि वो एक लफज के अपने आप ही माने घड़ के बराबरी दरम्यान में वो अखज ना करें बल्कि उसका देखें किस पास मंजर में कैसे इस लफज को बयान किया गया है अब यहां जो ये लफज बोले गए रसूल अक्रम सम ने फरमाया अंता मिन्नी व आना मिन का अंता का खिताब है मौलानी रदी अल्लाह तुम मुझ से हो और मैं तुझ हूं यानी मिन तर्जमे में तो कोई हरज नहीं इस तरह कह सकते हैं तफसील में अगर तफसीली तर्ज़मा होगा तो तुम मुझसे मुतसिल हो मैं तुझ से मुतसिल हूं मुख्तर तर्जमा होगा तुम मुझसे हो मैं तुझसे हूं मुराद मतलब तुम मुझसे मुतसिल हो मैं तुझ से मुतसिल हूं अब इस पर इन उमदा तुलकारी की जो ग्यारहवीं जिल्द है उसमें यह लफज और यह तर्जमा बयान किया गया जिल्द नंबर 11, सफ़ा नंबर 441, सौ इकतालीस बाबू मनाके बलियन अली इन, अली इबी तालिब अल कुरशी अल हाशमी अबिल हसन रजियल्हन हो यहां इमामी क्या लिखते हैं कहते हैं क़लिमा तो मिन्नी तुसम्मा बे मिन अल बेमिनसालिया कि ये जो मिन्नी का कलमा है अली मिन्नी वाना मिन हो या अंता मिन्नी वना मिन का हो या बाकी जो हदीसे हैं ये मिन क्या है कहते हैं हाजी तुसम्मा अल इतिसिया इस मिन को इतिसिया कहा जाता व माना हो अंता मुत्ता से उम्बी माना हो अंता से लुम्बी तो मैं इस पूरे टोले को दावत देता हूं कि जब तुम दावेदार हो कि तुम आल सुन्नत हो तो आल सुन्नत का तो लिटरेचर चौदह सदियों का मौजूद है आले सुन्नत के माखज में यह हदीस मौजूद है शारहीन ने इस पर चरा की है इस पर लिखा गया है तो कहीं चौदह सदियों से वो निकाल के दिखाओ जो तुम कह रहे हो और मैं तो चौदह सदियों से निकाल के दिखा रहा हूं कई लोगों के पास लाइब्रेरियां नहीं इनके पास किताबें नहीं क्या ये पढ़ नहीं सकते क्या इनके मुंह में जुबान नहीं तो क्यों नहीं ये पेश कर रहे कि जो आज इन्हें सूझी है ये कहां से सूझी है इन्होंने किस इमाम से ली है और अगर पेश नहीं कर सकते और नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह कभी भी क्योंकि आले सुन्नत में वो मतलब है ही नहीं जो उन्होंने लिया हुआ है तो फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि वो रिफज में जा चुके हैं और दावा करते हैं आल सुन्नत होने का और आल सुन्नत जो बयानिया था पस मंजर था अकायद थे उसको वो एक एक करके माजल्ला छोड़ते जा रहे हैं तो यहां इमामैनी ने कहा माना हो अंत मुतासिल भी आप मुझसे मुतसिल हो मैं आपसे मुतसिल हूं और देखो यानी कितने मोहतात हैं या काबिर इतिसाल के अंदर फिर बात की उन्होंने इतिसाल भी वो इतिसाल नहीं जो फलांग तरह का होता है बल्कि फलांग तरह का इतिसाल मिन इतिसिया है मगर इतिसाल कौन सा इमाम आनी कहते हैं वल मुराद मिन इतिस नबूआत तुम मुझसे मुतसिल हो अली मैं आपसे मुतसिल हूं मगर ये इतिसाल नबूआत वाला नहीं है चूंकि ईसा सलाम भी सरकार से मुतसिल है मूसा अलैहिस्सलाम भी सरकार से मुतसिल है दाऊद अलैहिस्सलाम भी सरकार से मुतसिल है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी सरकार से मुतसिल है मगर वो इत्तिसाल नबूवत वाला यानी कहां जात में इत्तिसाल जात की अनियत या जुजियत उससे कोसों दूर माना इत्तिसाल का लिया और इत्तिसाल में भी फिर आगे ये वजाहत की इमाम ऐनी ने कहते हैं कि लैसल मुरादु भी इतिस अहू मिन जिहत नबूआत यह नबूत वाला इतिस नहीं है कि तो मुझसे मुतसिल मुझ मुझ है जैसे मैं नबी हूं तू भी नबी है ऐसा नहीं ये जिहत नबूत वाला इतिसाल नहीं है अब फिर भी फजीलत बाकी है बल मिन जिहतिल नस्बे ये इतिस मुराद है म में क़ुरब में नसब में वकान अब नबी सल्ला वसम शकी का अबी अली के रसूल अक्रम सबा जान मौला अली रदी अल्लाह तब्बा जान के सगे भाई थे ये इतिसाल और साथ इस अंदाज में इसकी वजाहत कर दी कि व कजाली कल कलामूी कौली वाना मिनका पहले तो थी अन अंतमिन्नी अब आगे आनामिन का कहते है जो गुफ्तगु इमामी कहते हैं अंतमिन्नी में है वही का में है यानी उसी तरह इतिस के लिहाज से और साथ फरमाते हैं दूसरी हदीस में है अंतमिन्नी भी मंज़िल आती हारून ममूसा माना हो अंत मुत्ता मंजिला वफी तशबी हुन

यानी जिहा नबूत फबाकेतिस खिलाफात नबूवत वाला इतिस नहीं बल्कि खिलाफत वाला इतिस हैफिल मरतबात जो कि खिलाफत वाला इतिसाल नबूवत वाले इतिसाल के बाद आता है उससे मिला होता है सुम्मा अनहहा इमान तकुना फी हयात ही ओबादा ममाती ही फखरा जा बाद मा हारून माता कबला फिर आगे जाकर खिलाफत में भी दो तरह की खिलाफत है एक वो खिलाफत है जो जिसका कोई खलीफा है उनकी हयात के अंदर है दूसरा वो खिलाफत का इकतसाल है जो बादज विशाल है तो कहा यहां मुन कर दिया हजरत हारून का जिक्र करके वो मूसल के साथ मुतसिल थे खिलाफत में और ये वो खिलाफत थी कि जो हजरत हल्तमूल्लम की जिंदगी में थी चूंकि हरून का विशाल हल्तमूल्स से पहले हो गया था तो इसलिए फरमाया कि इससे वो खिलाफत मुराद नहीं ली जा सकती कि जो सरकार के विसाल के बाद की हो बल्कि पहले की खिलाफत है कि जब रसूल अक्रम सजा पे तशरीफ़ ले गए और मौला अली रदी अल्लाह तु को खलीफा बना के गए तो इस तरह का इतसार खिलाफत का रसूल अक्रम ने मुयन किया कि नबुवत का इतिस तो है ही नहीं खिलाफत का अतिसाल है फिर खिलाफत की दो किस्में हैं एक वो के किसी की खिलाफत उसकी जहरी हयात में उसके होते हुए और दूसरी है बाद अजवी साल तो रसूल अक्रम ने अपनी जहरी हयात में तो कई लोगों को जब गजा पे गए तो इबन उम मकतूम को भी मदीना मनौरा में खलीफा बना दिया तो ये वो खिलाफत थी कि जब रसूल अक्रम गजवा पे तशरीफ ले गए तो पीछे मौला रदी को अपनी खिलाफत दी जबकि वो कह रहे थे मुझे महबूब बच्चों औरतों में ना छोड़ जाओ तो सरकार ने फरमाया कि नहीं मैं तुझे सिर्फ दे रहा हूँ कि जैसे मूसम गए थे और पीछे अरूण को खलीफा बना गए थे तो मैं तुझे वो खलीफा बना रहा हूँ और दूसरी खिलाफत है बाद वो है हजरत सीदी अकबर रजी अल्लाह तला की और उसका यहाँ इस हदीस में जिक्र नहीं है चूंकि जो, जो मुशबा भी है उसमें मुयन है कि अरे सलाम खलीफा बने मगर मूसीम के विशाल के बाद नहीं पहले बने चूंकि उनका पहले अपना विसाल हो चुका था हजरत मूसीम के विसाल से पहले तो इसलिए यहाँ ये खुलासा ये बना कि नबी अकरम सल्लाम ने इतिसाल मुराद लिया ऐनीयत या जुजियत मुराद इतिसाल मुराद लिया बराबरी नहीं है इतिसाल है और इस इतिसाल के लिहाज से जब रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता या अली फ़ंता मिन्नी वना मिन का बफ़ी हदीस अबी राफ़ फ़क़ा चिबरीम व आना मिन कुमा या रसूल सल्ला वसलम इमामैनी कहते हैं जब सरकार ने फरमा ली तुम मुझसे हो मैं तुझसे हूँ तो जबरील सुन रहे थे कहने लगे मैं तुम दोनों से हूं फकाल जबलीसलम आना मिन कुमार या रसूल अल्लाह वसल्लम मैं तुम दोनों में से हूं अब यहाँ क्या सलाम जो है आ, वो एक बशर की औलाद है या उनका कोई आ, तनासुल के लिहाज से मिन्नियत है नहीं वही इत्तिसाल जो तरीके का है जो दीन का है मोहब्बत का है उस बुनियाद पर हजरत अलैहिस्सलाम ने भी ख़ुसूसी तौर पर अपना इस मकाम पर इजहार किया इमाम एनी ने जिसको यहां लिखा यही चीज जिस वक्त बुखारी की जो दीगर शुरू है हमको देखते हैं तो बिलखसूस जारी जो है ज़िल्द नंबर छ इसमें ये अल्फाज हैं अलकौसरजारी चार सौ चौसठ सफा यही मनाकब अली रदी अल्लाह तारीदीस है जल्द नंबर छ में तो कहते हैं कि व मिन हाज ही की तुन एंत मुत्ता वया इब्तदाई तुन तो ये कहते हैं कि मिन में यह भी है कि मिन इब्तदाइया हो लेकिन इब्तदाईया कहने में और इतिसिया कहने में कोई मुनाफ़ात नहीं क्योंकि नतीजा दोनों का एक ही है मिन इब्तदाइया हो तो नतीजे में वो इतिसिया ही बनती है तो मिन इब्तिया है या इतिसिया तो माना इसका क्या है अंता मुत्तसलम भी मुख्तलिफ सदियों में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमानों के अंदर ये अकाबिरीन इस हदीस की यही वजाहत करते आए हैं और इसमें इतिशाल वाला माना जो है उन्होंने मुराद लिया है यहाँ इमाम कुरानी जो है जिन्होंने अलकसर जारी लिखी है उन्होंने फिर एक और चीज का इंकशाफ भी किया आ फरमातियां वमिन हाजा वमिन हाजा इस हदीस से मिन मिन हो मिन का इस हदीस से आखा जर रवाफिज रवाफिज ने एक चीज निकाली अपनी तरफ से क्या लहमो का लहमी कहते हैं वो जो हदीस रवाफिज ने गढ़ी है जिसके बारे में हम पतावा रजविया के हवाले पेश कर चुके हैं तो इमाम को अरानी कहते हैं उन्होंने यहां से अखज किया है यानी आखर रवाफिज लहमो का लहमी यानी जब मिन आ गया है तो उन्होंने आगे फिर लहम बना लिया है आगे दम बना लिया है लहमो का लहमी व दमों का दमी कि तेरा गोश्त मेरा गोश्त है तेरा खून मेरा खून है और इसी से फिर आगे इरफान शाह ने मोहम्मद अली है और अली मोहम्मद है यानी या ये सब उस रस्ते पे चलने वाले लोग हैं और इस तरह यानी गुरु करके जो असल मकसद था उसको माज़ल्ला दबा कर एक नई चीज़ जो कि इस लिहाज से कि वो ख़तरा है और बल्कि वाज हमला है नबूत पर उसको इन लोगों ने अखज़ किया तो ये हमारी एक शरी ड्यूटी थी कि जब ये हमारे होते हुए हमारी ज़िंदगी में ऐसा फितना उठा तो हम इस पर एक सैर हासिल तबसरा करें तो इस तरह ये तीन प्रोग्राम जो हैं, इस पर ये हमारे मुकम्मल हो रहे हैं अगर चीज पर अभी और भी दलाइल है लेकिन वो अभी एक अगले वक़्त के लिए इन शाला और हमें इंतजार है कि उस पूरे टोले की तरफ से इसके मुकाबले में जो उन्होंने मौक़ अपनाया है उस पर कोई दलील पेश करें कुरान सन्न से अकाबिर से और ए, ये जो हमारे माखज़ हैं मनाब फ़िक्र हैं और मुजाहिदीन और आइमा के जो तश्रियात हैं इनको सामने लाकर अपना मौक़ बताएं कि वो किस लिहाज से ये मतलब ले रहे हैं जो कुरान सन्नत के मुनाफी है और ख़त्म नबूत पर बहुत बड़ा मज़ल हमला है अब इसके बयान के बाद मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ बिलखसूस बिक्की शरीफ़ के सजादा नशीन और उनसे चंद चिमटे हुए लोगों को कि ये मैंने कुरान सनत से बयान किया कि इरफान शाह ने लाहान शाह ने ख़ ख़तम पर हमला किया और कुर या जुमला बोला मोहम्मद अली है और अली मोहम्मद ये अली मिनी व आना मिन हो के तशरी के अंदर तो किस लिए सजादा नशीन साहब ने इनसे अपनी लातालुकी का इजहार नहीं किया अभी तक उनका मामू वो शमस मुख्तार सख्फी जो है उससे भी वो बरात का ऐलान नहीं कर सके और चच्चा जिसके बारे में बरेली शरीफ से इतने वजूह पर कुफर का फतवा लगाया गया उससे भी बरात का ऐलान नहीं कर सके और फिर अब ये यानी इसमाइल देलवी से भी आगे जाकर जो खारजियत उसने अपनाई और कुलैनी से आगे बढ़कर जो राफजियत अपना ली और इतने बड़े कुफर का इतकाब किया और इस पर भी वो बिल्कुल खामोश है और ये सारे हजरात एक पेज पर हैं खा वो जामिया बिकी के मौत, शरीफ के मोहतम हो नाजम आला हो या ये सजादा नशीन आपस में अपने मफादात में इनके इख्त जरूर हैं लेकिन इस मसले पर बिल्कुल एक पेज पर हैं। ये कुछ मुरीदों को धोखा देते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं हो उनका हमारे से ताल्लुक नहीं ये बिल्कुल एक हैं रिफज की तरफ सफर में तो अब उन्हें चाहिए हमने जो मौकफ चौदह सदियों का बयान किया उस पर उन्होंने फार्म छपवाए और मुरीदों से जाकर ज़बरदस्ती ला तल्लुक के लिए फिल करवाने की कोशिश की अगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी लेकिन यह वक्त है ला तल्लुकी का इस पर उन्हें बाकायदा अगर वो वाकई नहीं लेकिन है तो बिल्कुल अंदर एक ही है लेकिन नहीं तो लाताुकी का इस पर ऐलान करें और वो लोग जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं अब इससे आगे क्या किस चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं इतने बड़े कुफ्रियात बके जा रहे हैं और मसल कि हाफिजीस रमत और उम्मत के मसल पर हमला किया जा रहा है और फिर भी कुछ लोगों को अभी तक शक व शुबा है कि शायद ठीक है तो इस बुनियाद पर ये तीन प्रोग्राम हमने इस पर किए उन लोगों की रहनमाई के लिए और बाकी उम्मत के लिहाज से जो फितना फैलाया जा रहा था आ, उन सब की रहनमाई के लिए अल्लाह तबारक इस इसवश को कबूल फरमाए आज हमारी अपील थी पूरे मुल्क में कि तहफुज नमूस रिसाल सल्ला वम के, के लिहाज से खुतबात जुमा में पैगाम दिया जाए और रैलियों का इनकाद किया जा अगरचे कल भी मुल्क के बहुत से शहरों में प्रेस क्लब्स के बाद हमारी तरफ से कारकुनान ने बड़े बड़े मुजाहरे किए अल्लाह साहब की कावश को कबूल फरमाए इस मौका पर शरी नुकता नज़र से हिंदुस्तान की हकूमत और हकूमती पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी उनसे मैं गुफ्तू करना चाहता हूँ कि बर शरीर पाक विंद की सरजमीन इसका इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम से ताल्लुक़ इतना पुराना है इतना पुराना है कि अभी कोई इंसान भी सरज़मीन हिंद पर आबाद नहीं था कि हज़रत आदम का जब नजूर हुआ तो उनको सकून देने के लिए अल्लाह ने जबरी को भेजा कि वो यहाँ अज़ान पढ़े अभी रुए जमीन पर कहीं अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा था जब बर सगीर पाक हिंद की सरजमीन पर जमीन हिंद पर अरदुल्ला की सदा गूंजी और अरदुल्ला मोहम्मद रसूल की सदा गूंजी वही अजान जो आज रुए जमीन की मसाजद में पांच वक्त हो रही है उस वक्त हुई बर सगीर की इस जमीन पर कि जब यहां कोई आबादी नहीं थी कोई क्रिशन कोई बुद्ध और कोई देवता और कोई मंदिर इसका नामो निशान नहीं था उस वक्त यह जमीन इस्लाम के नाम रजिस्टर्ड हो चुकी थी लिहाजा हिंद में परस्तों को होश के नाकू लेने चाहिए आज उन्हें कभी कुतुब मीनार से चुबन होती है कभी उन्हें ताजमहल से चुबन होती है कभी बाबरी मस्जिद से और कभी अब वो मिथरा की शाही मस्जिद को मिसमार करने के मुतालबे करते हैं कभी औरंगजेब आलमगीर के मकबरे को गिराने की बातें करते हैं और यहाँ तक अब कमीने सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद ससिर अजीज की दरगाह के बारे में मैली आंख से देखना शुरू हो गए हैं और उससे बढ़कर अब ये जो तोहहीन रिसालत का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया है यानी पहले वो नुपुर शर्मा ने तोहिन की उसके बाद नवीन कुमार जंदल ने तोहीन की और किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया और जो मुसलमान उठे हैं मुजाहरा करने के लिए उन्हें मारा जा रहा है और उन्हें जेलों के अंदर धकेला जा रहा है हम बहसीयत मुस्लिम जो हमारा दीन है उसके पाबंद है और उसके लिहाज से ये तलवार हाथ में पकड़ कर मैं मोदी को और इन तमाम बेगैरतो को पैगाम देना चाहता हूँ अगर तुम्हारी तरफ से राज्यपाल निकलेंगे ये तुम्हारी बदकिस्मती है तो याद रखो तुम्हे इल्मीन जरूर मिलेंगे सरतन से जुदा सरतन से जुदा से जुदा लब्बै लबै की यारसूलन लब बैक, लब की यारसूलन पार्टी के जो गुस्ताख है कुरान सुन्नत की रोशनी में वाज तौर पर वो वाजिबुल और हम कुरान सुन्नत के मुताबिक उनके वाजिबुल कत्ल होने का शरीफ फतवा दे रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहे और ये उन्हें याद रखना चाहिए कि वहाँ पाकिस्तान से किसी इल्मीन के पहुंचने की जरूरत नहीं हिंद की माए भी इल्मीन जन्म देने वाली है और वहाँ मुस्लिम माओ के यहाँ जो अशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म लिया जिन्होंने आज भी वो अपनी जान वार कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस पे पहरा देने के लिए तैयार हैं राजपाल मिट जाएंगे मगर इल्म और दीन फिर भी खत्म नहीं होंगे और ये भी नोट कर ले तारीख आज कल जिस वक्त इन लोगों ने हिंदों का धंधा शुरू किया तो उसके नतीजे में जो बेदारी आई उस बेदारी का नाम पाकिस्तान बना गाजीन शहीद के जनाजे में जब छह लाख के करीब मुसलमान खड़े थे लाहौर में उस वक्त तहरीकी आजादी में जो तेजी आई और फिर चंद सालों के बाद पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया आज अगर उन गुस्ताखों को सजा नहीं दी जाती और आशिकों पर जुल्म रवा रखा जाता है हिंद की सरजमीन पे तो फिर याद रखे मोदी उन्हें एक नई तहरीक आजादी का सामना करना पड़ेगा इन भारत से एक नया पाकिस्तान बनेगा भारत के मुसलमान बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जुल्म मगैर अपने सामने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहन बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके लिए उन्हें अलीहदा जमीन चाहिए इसके लिए उन्हें अलीदा देश चाहिए इस मोड़ पर आकर आज भारत का मुसलमान उसकी बेबसी उसकी मजबूरी और इस सूरत हाल में जो उसकी महरूमी है वो उसे ये सोचने पे मजबूर कर रही है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों। ये जो मैं नफरत बोल रहा हूं इन शाह वो वक्त आएगा एक नई तहरीक आजादी जो अंगड़ाई दे रही है ये बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी और इन बहुत को सिमटकर फिर एक मखसूस जगह पर रहना पड़ेगा और हिंद की सरजमीन में एक दूसरा पाकिस्तान शाला मार्ज वजूद में आएगा लिहाजा आज पूरी दुनिया से जो बेदारी का एक सफर बिलखसूस अरब ईरान अफगानिस्तान और हर जगह से जो सदाए ऐतजाज बुलंद हो रही है ये यकीन एक इनकलाब की नवीद है इससे उम्मत के अंदर वाहदत के लिहाज से भी शरत हो सकती है और इससे एक दायरा तंग होगा गुस्ताखों पर और यहां यह बात भी बिल्कुल समझना लाजिम है कि अगर फ्रांस के मसले पर मुस्लिम हुक्मरानों ने सर्द मोहरी ना अपराई होती और कमजोर लाहे अमल ना रखा होता तो आज इन मूत पीने वालों को कभी यह जसारत ये ना करते लेकिन उस वक्त बहुत से हुक्मरान सो गए और उन्होंने उम्मत की नुमाइंदगी नहीं की और इस वक्त भी जितना जबरदस्त एहतजाज भारतीय हुक्मरानों के खिलाफ जरूरी है इतना ही जबरदस्त या इससे भी कहीं ज्यादा आज भी फ्रांस के बगैर हुक्मरानों के खिलाफ भी जरूरी है और जिस तरह कल यह मुतालबा दीनी था शरी था जरूरी था कि फ्रांस के सफीर को जूते मार के निकाला जाए आज भी वो मुताबा उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा आम हो चुका है कि उन्होंने औरों को भी तोहिन का रास्ता दिखाया और उनको उनके खिलाफ भी इतेजाज की सदा बुलंद की जाए और फिर ये फजलुर रहमान जैसे लोग जो कल ये कहते थे कि हम इस सिलसिले में मदद तो करते मगर हमारा इख्तियार नहीं आज चार وزارتें लेके बैठा है फजलुर रहमान आज उनकी हुकूमत है तो क्यों नहीं निकाला जा रहा फ्रांस के سفیر को या उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा या हाल क्यों नहीं वाजे की जा रही तो इसलिए हमारा ये इज्तिमाहीतजाज और इज्तिमाही पैगाम है इन सब के लिए कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा गुस्ताखे रसूल की एक सजा